तीन असमरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त। कागज पर एक बिंदु P लें, प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचे जो बिंदु P से होकर जाता है। क्या हम बिंदु P से होकर जाने वाला एक और वृत्त खींच सकते हैं? ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? देखिए आकृति 33। आप देख सकते हैं कि ऐसे अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसी तरह दो बिंदुओं P व Q से होकर जाने वाले अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए आकृति 34। क्या तीन असमरेख बिंदुओं P, Q व R से होकर जाने वाले अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं? प्रमेय 5। कथन: तीन असमरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ज्ञात है A, B और C तीन असंरेख बिंदु है। सिद्ध करना है A, B और C से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। रचना: बिंदु A को B से तथा B को C से मिलाइए। AB और BC के लंबार्धक क्रमशः PL और QM खींचिए। माना PL और QM एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O को A, B और C से मिलाइए। उपपत्ति: बिंदु O AB के लंबार्धक PL पर स्थित है। इसीलिए OA बराबर OB, ये हमारा पहला समीकरण है। यहाँ पे हमने प्रमेय का इस्तेमाल किया है, किसी रेखाखंड के लंबार्धक में स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होती है। यहां पे हमने OA बराबर OB बताया, इसे समीकरण एक लिया। किसी रेखाखंड के लंबार्धक में स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदुओं के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होती है। इसी प्रकार O BC के लंबार्धक MQ पर स्थित है।
इसीलिए OB बराबर OC, इसे हम समीकरण दो ले लेते हैं। अब कहीं हम समीकरण और एक और दो से देखते हैं तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर हम इसे त्रिज्या R मान लेते हैं, R माना ये R है तो PL और QM एक ही बिंदु से एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि O एक मात्र बिंदु है जो A, B और C से समान दूरी पे पर होंगी। O एकमात्र बिंदु है जो A, B और C से समान दूरी पर होगा, अतः तीन असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक एक केवल एक वृत्त होकर जाता है। तो हमने इसे सिद्ध किया कि तीन असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त होकर जाता है। इस प्रमेय में यही सिद्ध करना है। हम इस तथ्य का उपयोग त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर एक वृत्त खींचने में करते हैं। इस वृत्त को त्रिभुज ABC का परिवृत्त और इसके केंद्र को त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। करके देखें। एक वृत्त का चाप दिया गया है, देखिए आकृति 36। वृत्त का केंद्र ज्ञात कर वृत्त को पूरा कीजिए। सोचें एवं चर्चा करें, क्या तीन समरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला कोई वृत्त खींचा जा सकता है?